हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप लोग सही होगे, मस्त होगे। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। सो आज हम लोग जाएंगे पहले कपड़ा धोने। आज का दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। कपड़ा इतना सारा लेके आए थे, बहुत सारा गंदा हो गया, तो हम लोग अभी जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लॉन्ड्री वाले मैंने शॉप जैसे है, अपने से आपको कॉइन वाइन डालिए और स्टार्ट कर दीजिए, वैसे ही कुछ सिस्टम है। तो अभी ठीक से नहीं पता, चलते हैं हम लोग पहले और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या सिस्टम है धोने होने का। अगर आपको भी, आप भी बहुत दिन के लिए आ रहे हैं तो कैसे धो सकते हैं अपना कपड़ा, आपको दिखाते हैं। सो वीडियो में बने रहिए, आज का दिन पूरा हम लोग घूमेंगे। सो गाइस, यहाँ पे है हम लोग के जस्ट होटल के सामने ही है ये वाला 40 बात लिखा कि पता नहीं, पता करते हैं। ये वाला है क्योंकि वॉशिंग मशीन लगा हुआ। गाइस ये रहा हमारा मशीन, घर में है वैसे ही है, और चार्जेस आपको बताते हैं कितना कितना। सो गाइस अभी हम लोग दे दिए अपना कपड़ा, तो हम लोग का मेरा केजी के हिसाब से होता है, एक केजी का 50 बार। अगर आयरन करवा के मतलब चाहिए तो 90 बार, मैंने 40 बार एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। तो ठीक है, सिस्टम लगा, और मेरा तो हुआ 1.3 केजी, तो 90 बार लग रहा है, और अरुण का हुआ है 2.3, तो उसका हुआ 115 बार। ठीक है, आई लोग दो के सामने मैंने अच्छे से दे देगा, बढ़िया सिस्टम है, अच्छा लगा। तो बगल में ही हम लोग होटल है, यहाँ पे यहाँ होटल है और यहाँ लॉन्ड्री, अच्छा लगा। चलते अब दूसरा जगह जाते हैं, उधर आज ओल्ड फुकेट जाने का प्लान है, वहाँ का एक मार्केट लगता है, तो वही आपको दिखाएंगे अगर आज लगा होगा तो। फिर भी घुमा देंगे ओल्ड फुकेट आपको थोड़ा बहुत स्ट्रीट। तो गाइस अभी हम लोग नाश्ता लेने जा रहे हैं 7-Eleven ने जा रहे, टॉप्स करके है वो भी, ऐसे ही 7-Eleven टाइप का है। तो वहाँ पे मतलब कार्ड से पेमेंट हो जाता है इजीली, तो अगर आपको कार्ड से पेमेंट देना है छोटा मोटा चीज़ में भी, तो आप टॉप्स में जाइए। नहीं तो अगर 7-Eleven जाएंगे तो वहाँ के लिए आपको देना पड़ेगा, मैंने लेना पड़ेगा आपको पहले 200 बात का कोई सामान, तब जाके वो आपको कार्ड एक्सेप्ट करेगा। तो ये सिस्टम बढ़िया नहीं लगा हमको। बाकी तो कैश से तो बढ़िया ही है, मैंने कैश दे के आप ले सकते हैं। ये टॉप्स डेली 24 आवर्स, तो यहाँ से हम लोग मैंने छोटा मोटा चीज़ में भी कार्ड से पेमेंट कर लेते हैं, 10-20 जितना भी है बात उतना। कहाँ उधर यार, देखिए नाश्ता के लिए बढ़िया लगा ना। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले तो टुक टुक ले गए और ओल्ड फुकेट जा रहे हैं, वहाँ पे एक योन करके एक एटीएम है, तो वहाँ से हम लोग पैसा निकालेंगे क्योंकि वहाँ पे चार्जेस कम लगते ऐसे बोला है, लेकिन देखते वहाँ जाके पता चलेगा कि चार्जेस कम लग रहे हैं कि ज़्यादा लग रहे हैं, वही तो पता चलेगा। तो अभी हम लोग वही 40 बात वाला एक तो टुक टुक चलता है, मैंने सवारी गाड़ी टाइप का, तो अभी वही पकड़ेंगे हम लोग वहाँ पर जाके चौक के पास, तो देखते हैं, चलिए आगे दिखाते हैं आपको, बने रहिए। देखिएगा चाइनीज़ वाला कुछ है, चाइनीज़ वाला कुछ है, तो यहाँ से पार होते दिखाते। हाँ मस्त। सो गाइस ये वाला है जो ओल्ड फुकेट जाता है, 40 बात लेता है, यही एक तो चीपेस्ट ऑप्शन है आपके लिए अगर आप ओल्ड फुकेट जा रहे हैं तो। नहीं तो आपसे अगर ग्रैब बाइक भी करेंगे तब भी महंगा है, 120 123 या 30 टाइप का लेगा, और ये वाला 40 बात पर। सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ आना था हम लोग को, एटीएम जहाँ पे शो कर रहा था। तो ये एक मॉल है, फेस्टिवल पता नहीं क्या मॉल है, तो यहाँ यहीं पर है वाला एटीएम, तो चलते हैं देखते हैं अंदर में वहाँ पे और क्या मतलब एटीएम का ये है मार्कअप फी और ये सब बताते हैं आपको कि अच्छा है कि नहीं। तो गाइज ये देखिए ये वाला, ये जब वहाँ पर जापान में बहुत ऐसे यूज़ किया जाता है ये वाला चीज़, तो यहाँ पे 2 टोकन 200 बात, 1 टोकन 100 बात। ये देखिए यहाँ पे ये सब कार्टून वाला कैरेक्टर सब आपको खिलौना में मिलेगा। यहाँ पे भी है एक
दस बात का एक। तो गाइस अभी ऐसा हुआ कि हम लोग अभी वॉशरूम में थे, तो मेल कोई सफाई कर्मचारी आना चाहे तो लेडी सफाई कर्मचारी घुस गई हम लोग का, मैंने बॉयज लोग का टॉयलेट में। अजीब ही। तो गाइस ये देखिए कौन सा मॉल है, पता नहीं, सेंट्रल मॉल है शायद ही। तो इसका ये व्यू देखिए, पानी सब है रियल। क्या वहाँ जाके बैठ सकते हैं? अरे मछली भी है, मछली भी है। ओके, सेंट्रल फुकेत करके है ये कोई मॉल, हमको भी आइडिया नहीं है, नाम ही नहीं लिखा हुआ था मॉल का सामने में। तो गाइस यहाँ का मॉल देखिए इतना लाजवाब है ना, कार और घुसा घुसा के रखा है एकदम, बड़ा बड़ा है, छोटा मोटा नहीं। बड़का था मॉल। ये देखिए यहाँ पे सेल चल रहा है इसमें भी कि क्या। एक के साथ एक फ्री नहीं। आईफोन सब है यहाँ पे, आईफोन का स्टूडियो करके। गाइस रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि ये मॉल का नाम है सेंट्रल फेस्टिवल फुकेत करके। तो ये मॉल का नाम है जो आपको दिखा रहे हैं। गाइस ये देखिए ये मॉल देखिए कितना बड़ा है, फोर्थ फ्लोर है, अभी फोर्थ फ्लोर में हम लोग। यहाँ से सीन देखिए इतना बड़ा। यहाँ पे भी डीकैथलॉन है, डीकैथलॉन यहाँ पे भी है गाइस। ये देखिए मस्त है ये वाला, बच्चे लोगों के लिए सही है भाई। सो गाइस अभी हम लोग का तो कुछ काम होना ही नहीं पाया, पता नहीं कैसे एटीएम से निकाले का पैसा, क्योंकि उसमें कन्वर्जन फी ले रहा है, अलग से चार्ज भी ले रहा है 250 बात का, और अलग से कन्वर्जन फी भी ले रहा है, मतलब डबल फ़ायदा लोग उठा रहा है। तो हम लोग का काम तो हो नहीं पाया एटीएम वाला। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ओल्ड फुकेत टाउन, वहाँ पे एक नाइट मार्केट लगता है, मैंने शाम से स्टार्ट हो जाता है नाइट मार्केट। कल हम लोग जब फीफी आइलैंड टूर से आ रहे थे वापस, तो तब देखे थे, तो वैन से आ रहे थे तब, तो बहुत ही शानदार एकदम मस्त जबरदस्त लगा था। वहाँ पे पिंक पिंक कलर का कोई फूल वाला कुछ चीज़ था, मैंने डेकोरेशन था वहाँ, फोटो बढ़िया आएगा, और मार्केट भी मस्त था वहाँ पे। सोच रहे कि थोड़ा मार्केटिंग भी कर लेंगे, तो आपको भी दिखा देंगे प्राइस सब, वहाँ का जो कपड़ा सबका प्राइस रहता है वो सब आपको दिखा देंगे। तो अभी वही हम लोग चल रहे पैदल, यहाँ सेंट्रल मॉल से अभी निकले, तो आगे देखते हैं अगर कोई सवारी वाला गाड़ी मिल जाएगा जो हम लोग को छोड़ सके तो फिर उसको लेके, या फिर क्रैप कर लेंगे। तो कहा ऐसे रहा चौराहा, गाड़ी देखिए मस्त मस्त, और अभी हम लोग को सीधे जाना है, उसके बाद देखते हैं। वो तो भाड़ा गाड़ी जा रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा भीड़, अभी तो थोड़ा जाम जाम लग रहा है। लेकिन गाइस ग्रैब स्कूटी की है, बाइक की है, तो अभी जा रहे हैं हम लोग, देखिए बाइक स्कूटी बाइक टाइप का स्कूटी है, पता ही नहीं चल रहा है, बाइक टाइप का आवाज़ है, स्कूटी टाइप का है। और अभी जा रहे हैं, तो बढ़िया है, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है गाइस, यहाँ पे गर्मी लग रहा है, डेंजर टाइप का। तो अभी शायद ये गर्मी का मौसम है, तो इसलिए आज अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ड्राई सीजन मैंने ड्राई रहता है। गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, ये यहीं पर फलांग रोड बोलते हैं इसको, और यहीं पर मार्केट लगता है बहुत बड़ा, और बहुत ही अच्छा एकदम मस्त, मैंने क्वालिटी वाइज अच्छा रहता है यहाँ का कपड़ा सब। तो देखते हैं क्या क्या प्राइस रहेगा कपड़ों का, तो आपको बताते हैं प्राइस सब, और दिखाते हैं ये मार्केट अच्छे से। सो गाइस अभी हम लोग चलते हैं इधर, आपको दिखाते हैं
जो एरिया का आपको बात कर रहे थे, जो फूल सब है पिंक पिंक, ये देखिए बहुत ही शानदार। वाह मस्त लग रहा है, लेकिन मस्त और पॉसिटिव मस्त है। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे ओल्ड टाउन, ये एरिया को ओल्ड टाउन कहते हैं। देखिए यहाँ पे पुराना घरों को तो कलरफुल बना के रख दिया है यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए कितना ओल्ड यहाँ पे ये बिल्डिंग्स है, उसको पूरा सजा के रखा हुआ है। इधर मार्केट भी है, देख रहे हो मार्केट सब भी है। और ये देखिए बिल्डिंग, तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से नारियल पानी 30 बात का दर्शन किया। ये देखिए मस्त है गाइस, नारियल पानी एकदम मीठा है। ये गाइस ड्रैगन, आई थिंक यहाँ पे हमको लग रहा है कि चाइना वाला लोग ज़्यादा रहता है कि क्या, क्योंकि वही लोग दिख रहा है, चाइनीज लोग का एरिया है लग रहा है। ये वाला एक ब्रिज है यहाँ देखिए। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट हो गया है मार्केट, और ये देखिए यहाँ का स्ट्रीट है बहुत बढ़िया एकदम लाजवाब, ओल्ड टाउन है। ये शर्ट सब कितना अच्छा है, 200 बात का है शर्ट। तो गाइस ये देखिए वाला फूल वाला जगमगाएगा अच्छा खासा। ये देखिए गाइस ये वाला पिंक क्या शॉप है, मस्त शॉप है। तो 200 ऐसे बात का है। देखिए तो गाइस ये देखिए टेस्ला, भाई अमीरों का जगह है। तो कपड़ा सब देखिए मस्त वहाँ, देखिए ब्लू ड्रेस है बस वहाँ पे ब्लू। जैसे हम, लेकिन वो हम लोगों का ड्रेस नहीं है, लड़की लोगों का है बस। यह 10 रुपये का पानी बोतल ठंडा एकदम चिली, बैग सब मिल रहा है 180 बात में। ये कितना का दे रहा है? या भाई नीचे क्यों है? हैंडमेड है, हैंडमेड है पूरा ना। तो सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि यहाँ से टुक टुक 6 बजे लास्ट है, शाम में 6 बजे वाला लास्ट गाड़ी जाता है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं वापस। गाना गा रहा है उधर चलते हैं। Tell me right now, baby.
आ गया। Nothing else matters when we're together.